अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और इस वक्त मैं लाइव अपनी सीटीवी न्यूज़ की टीम के साथ मौजूद हूं लाहौर रियल एस्टेट पर। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जाहिद भट्टी, इनका नाम है। और जैसे कि आप सब जानते हैं डिफेंस में बड़ा ही खूबसूरत DSL के नाम से क्रिकेट मैच होने जा रहा है और लास्ट डे जी आज इनकी टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इनसे पूछते हैं इनकी टीम की तैयारियां कैसे चल रही है। मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं जाहिद भट्टी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, लाइव पूरी दुनिया देख रही है, आपको सबको हाथ लाके अस्सलाम वालेकुम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माशाल्लाह अच्छी एक एफर्ट कर रहे हैं मार्केट में दूसरे लोगों तक, जो जिनको इस चीज़ का नहीं आइडिया, इवेंट हो रहा है मतलब DHA के एसोसिएशन या जितने भी स्टेट एजेंट्स हैं उन सबको तो पता है कि ये एक इवेंट हो रहा है, लेकिन सराउंडिंग में ओवरऑल जितने भी पाकिस्तान की अवाम है उनको तो इस चीज़ का नहीं आइडिया। लेकिन आप एक अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। ये एक अच्छा स्टेप है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में और ओवरऑल वर्ल्ड में जो पाकिस्तानी लोग हैं उन मतलब वो उधर बैठ के आपके जरिए देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बट सर हमारी व्यूअर्स को बताइएगा, लाहौर रियल एस्टेट बड़ा पुराना नाम है, कितने अरसे तरासी ये स्टेट जो है DHA में काम करती है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो तकरीबन 2005 से। और आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे मार्केट में तकरीबन अराउंड कोई 8 साल हो गया। ठीक है, अच्छा अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना जो एसोसिएशन ये करवा रही है इजाज रामे साहब और शकील भट्टी साहब, उनके बारे में, ऑर्गेनाइजर्स के बारे में क्या कमेंट देना चाहेंगे, कैसे इवेंट? देखिए ये भाई हैं, इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, रिलेशन है, बहुत ही प्यार देते हैं, ठीक है। और ये उनकी मैं उनको जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले में, जो उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया काफ़ी अरसा से, 2-3 साल से, कोरोना से पहले का एक इवेंट हुआ है जो अबू बकर भट्टी के दौर में हुआ था और उससे बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 3 साल बाद अभी ये इवेंट हो रहा है। तो मैं बहुत ही इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक आवाम जो है वो कोरोना के मामला में, दूसरा हमारा काम कुछ इस तरह का है कि सारा दिन हम बैठे रहते हैं, ठीक है, कोई हेल्थी एक्टिविटी नहीं है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, अच्छा जो है हमें इन्होंने स्टेप लिया है जिसमें सबको एक मतलब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है जिसमें गेट टूगेदर होने का एक मौका मिला। अच्छा साहब, बट सब इनामात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आ रहा है कि गाड़ी मिल रही है और साथ सेकंड प्राइज 5 लाख, बड़े इनामात है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मामला तो होने चाहिए, ठीक है, जो हमारे स्टेट एजेंट्स के जो कुछ डीलर भाई हैं जो मतलब उनको इस चीज़ का काफ़ी शौक है क्रिकेट खेलने का, चलें इससे उनकी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए। अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, आप अपनी टीम के बारे में बताइएगा ताकि व्यूवर्स को ज़रा पता चले जोश और जज्बा कैसा जा रहा है आपकी लाहौर प्रॉपर्टीज। जी मेरी दुआ है सबके लिए जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जितनी भी स्टेट, सबके लिए मेरी दुआ है कि जो जाहिर सी बात है एफर्ट करेगा वही विन करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम काफी स्ट्रांग है। अच्छा प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं? डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी टीम कहां पर है आपकी सारी? अभी भी इस टाइम ग्राउंड में। अच्छा क्या समझिए आपकी बैटिंग वाले कौन कौन से जियाले चीते हैं जो बड़ी अच्छी बैटिंग करने वाले? इसमें 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो, चले उनका नाम ले लें, जब आप देखेगा फिर खुश हो जाए, आपने उनका नाम ले लिया, हमारे चीते हैं, हमारे खादिम भाई हैं, सईद भाई हैं, असद भाई हैं। देख खादिम भाई, असद भाई आपको देखेंगे मैदान में कितने छक्के कितने चौके लगाते हैं आप। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है हम विन करेंगे और अच्छी फाइट। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलर कौन से हैं जो आपकी टीम में हैं? उसमें इसी तरह ही ऑलराउंडर हैं जैसे खादिम भाई, साथ में ऑलराउंडर भी अच्छी बॉलिंग अच्छा, करते हैं सईद भाई, भी साथ में हाँ जी सईद भाई हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं, और इसके साथ शाही साहब हैं और यासिर साहब हैं, ये इस तरह के 2-3 3-4 बॉलर हमारे पास अच्छे हैं। अच्छा जी लास्ट में कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब भी कोई मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है, तो लोग उसको नेगेटिव भी ले जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें मैं सिर्फ एक छोटा सा सबको मशवरा दूंगा, मैं एक राय दूंगा कि इवेंट को, स्पोर्ट्स को सिर्फ स्पोर्ट्स की हद तक लेना चाहिए, ना कि उसको एज ए पर्सनल लेना चाहिए। देखें ये हेल्थी एक्टिविटी हो रही है तो इसमें सबको मशवरा ये दूंगा कि फैमिली मेंबर्स को भी साथ लाएं और एक इवेंट को एंजॉय करें, ना कि जो है इसको नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट से लेके जाएं, और ये समझे एक गेट टुगेदर है, एक तफरीह के तौर पे इसको लें, एक तफरीह के तौर पे इसको लें। बिल्कुल जाहिद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त दिया। जाते जाते मीठे से कमेंट्स हो जाए, सिटीवी न्यूज़ के बारे में कैसा लगा, हमारी सिटीवी न्यूज़ की टीम भी आपके पास? नहीं जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी एक एफर्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, आप हर डोर स्टेप पे जा रहे हैं, हर स्टेट पे जाके उनसे उनकी राय ले रहे हैं इवेंट्स के बारे में, तो ये मैं आपको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ।
चाहता हूँ और जितने भी व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनकी मजीद हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया और हमारी भी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ हैं लाहौर रियल एस्टेट के साथ कि जीत आपके मुकद्दर में हो लेकिन हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे हमारे आज के सी टी वी न्यूज़ के स्पेशल गेस्ट ज़ाहिद भट्टी, इनका नाम था और मैं अपनी सी टी वी न्यूज़ की टीम के साथ लाइव मौजूद हूँ लाहौर रियल एस्टेट पर फेज 6 में। सो उम्मीद करते हैं इनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें आपको बेनतहा पसंद आई होंगी और ख़ासतौर पर जो मैसेज इन्होंने कन्वे किया है कि क्रिकेट मैच को सिर्फ इंटरटेनमेंट ही लें, तफरी के तौर पर लें और अपना कमेंट्स बॉक्स में लाजमी आपने कमेंट्स करना है कि इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा और इनकी मीठी मीठी बातें वो आपको कैसे लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए हमारे चैनल के लिए खासतौर पे एनर्जी का काम संजाम देता है। आखिर में ज़ाहिद भट्टी साहब के साथ मिलकर एक मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए जबरदस्त नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।